स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले डांसिंग रियलिटी शो डांस प्लस 5 में टॉप 10 में धमाकेदार एंट्री के बाद दी एस क्रू इस हफ्ते शानदार परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। पिछले हफ्ते दी एस क्रू ने अपने शानदार परफॉर्मेंस के दम पर टॉप 10 में धमाकेदार एंट्री कर ली थी। आपको बता दें, इस हफ्ते शो में फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर आएंगे। दोनों इस एपिसोड में धमाल मस्ती करते हुए नजर आने वाले हैं। ये एपिसोड 21 दिसंबर को टेलीकास्ट किया जाएगा। पिछले हफ्ते स्क्रू ने फिल्म बॉर्डर के गानों पर शानदार परफॉर्मेंस दी थी। अपने परफॉर्मेंस में दी ए स्क्रू ने फिल्म बॉर्डर के वॉर सीक्वेंस को दिखाया था। ये एक्ट इतना धमाकेदार था कि गेस्ट सहित सभी जजों ने इसकी खूब तारीफ की थी। इसके साथ ही दी ए स्क्रू को टॉप 10 में धमाकेदार एंट्री भी मिल गई थी। परफॉर्मेंस के दौरान शो में आए गेस्ट सनी देओल और सुनील शेट्टी की आंखें नम होती दिखी। इस शानदार परफॉर्मेंस को दोनों गेस्ट सहित सुपर जज रेमू और सभी कैप्टन ने स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। आपको बता दें कि ये क्रू कैप्टन सुरेश मुकुंद की टीम में है। अपने कमेंट में सनी देओल ने कहा, इट इज सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा था। इसके बाद सनी ने इस फिल्म से अपने जुड़ने की कहानी बताई। इसके बाद तारीफ करते हुए सनी ने कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, साथ ही इनके कैप्टन सुरेश की भी खूब तारीफ की। इसके बाद सुनील शेट्टी ने कहा, बहुत इमोशनल था, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसके बाद रेमो ने इस परफॉर्मेंस के लिए इस क्रू को डबल प्लस दिए। इसके बाद रेमो ने भी इस क्रू की जमकर तारीफ की। इसके बाद रेमो ने इस क्रू को स्टेज के ऊंचाई वाले स्थान पर जाने को कहा और घुटनों पर बैठकर इसका अभिनंदन किया। इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए इस क्रू को टोटल 50 अंक मिले। आपको बता दें कि इस क्रू में 4 कोरियोग्राफर हैं। ऑडिशन में क्रू के डांसर रोहन ने बताया, द एस का फुल फॉर्म है आर्टिस्ट क्रिएटिंग एलिमेंट्स। इसमें हम 7 स्टाइल इंक्लूड करते हैं। इस शो को बनाने के लिए हमने 11 स्टेट और 14 सिटी में जाकर एक एक कंटेस्टेंट को लाए हैं और क्रू को तैयार किया है। ऑडिशन में इनके परफॉर्मेंस से पहले एक वीडियो भी दिखाया गया था जिसमें इस क्रू के बनने की कहानी दिखाई गई, जिसमें रोहन पाल रुबेन लामा से मिले और इस क्रू के लिए देश भर में घूम कर डांसर्स को जोड़ते रहे। इस दौरान वो देश के विभिन्न राज्यों में जाते रहे। इनकी सोच बेस्ट डांस क्रू बनाने की थी। इस तरह इस क्रू में 11 राज्यों के डांसर्स जुड़ते चले गए। इस क्रू की एक खासियत है कि इसमें भारत के अलग अलग फ्लेवर के डांसर्स हैं, जो शो में इंडिया के सामने धमाल मचाएंगे। गौर हो कि रुबेन और रोहन कोरियोग्राफर भी हैं। ये डांस प्लस का 5वां सीजन है। शो में सुपर जज के तौर पर रेमो डिसूजा है, जबकि इस बार शो में 4 कैप्टन्स को रखा गया है। शो में शक्ति के ना जुड़ने के चलते 2 नए कैप्टन्स को जोड़ा गया है। इस तरह से इस बार कैप्टन के तौर पर धर्मेश, पुरीत, करिश्मा चौहान और सुरेश मुकुंद हैं। वहीं हर बार की तरह इस बार भी इस शो को राघव ही होस्ट कर रहे हैं।